सीहोर जिले में बुधनी विधानसभा के उपचुनाव को लेकर एक ओर जहां भाजपा लगातार मैदान में सक्रिय नजर आने लगी है, तो वहीं दूसरी ओर युवा नेता कार्तिकेय सिंह चौहान के द्वारा दिए गए बयान पर बुधनी सियासत विधानसभा क्षेत्र में सियासत गर्मा गई है। इसके तहत ही कांग्रेस नेता विक्रम मस्ताल ने कार्तिकेय चौहान को आड़े हाथों लेते हुए उनके बयान को झूठ का पुलिंदा बताया है। उन्होंने कहा कि कार्तिकेय सिंह के बयान में हताशा झलक रही है। तो वहीं बीजेपी प्रत्याशी रमाकांत भार्गव को लेकर पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह राजपूत की नाराजगी को लेकर भाजपा जिला अध्यक्ष रवि मालवीय की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि राजेंद्र सिंह और नेताओं में जो उम्मीदवार को लेकर नाराजगी थी वह अब खत्म हो गई है, अब हम सब साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। सीहोर से चंद्र सिंह बागवान की रिपोर्ट। नाराजगी फैलाने वाला विषय, नाराजगी कह कह के इसको इतना बढ़ा दिया। मैं यहाँ पे सबसे पहले आया, मैंने सबसे पहले जकाई की नाराजगी बोलते भैया, ये तो आजू बाजू वाले लोग बात कर रहे थे, पता चला आजू बाजू वाले कौन है, कुछ असामाजिक तत्व कांग्रेस के बिठा दिए, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का चोला पहन लिया और कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में हमें कोई नाराजगी नहीं, हम सब परिवार के सदस्य हैं, हम सब में सहमति बन चुकी है। ऐतिहासिक जीत, देखिए हम बुधनी के कार्यकर्ता रिकॉर्ड बनाते आए हैं और रिकॉर्ड बनाते रहेंगे। ऐतिहासिक जीत बुधनी में होनी जा रही है और हम लोग संगठन के लोग हैं, संगठन की बारीकियों से काम करते हैं, कोशिश करेंगे कि हर पोलिंग बूथ भारतीय जनता पार्टी में अच्छी बहुमत हो सके। ये तो आपने जन से अलावा आज देखा होगा कि जनता ने उत्साह से उमंग से आज हमारे जननायक शिवराज सिंह चौहान जी और माननीय मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष की उपस्थिति में यहां आकर उनका नामांकन में शामिल जनता हुई। आपने पूछा कि वरिष्ठ नेता हमारे माननीय प्रसाद शर्मा जी, आदरणीय राजेंद्र सिंह जी, राजपूत जी और आसाराम जी यादव सहित सभी वरिष्ठ नेता आज एक साथ मंच पर उपस्थित हुए और प्राणपण से प्रत्याशी श्री रमाकांत जी को जिताने के लिए पूरी टीम एकजुटता के साथ माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में। मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी कलह को वो कांग्रेस से क्यों जोड़ रहे हैं, जब आमने सामने की लड़ाई है। उनको घर को भारतीय जनता पार्टी के घर को भारतीय जनता पार्टी के लोग संभालें, उसमें कांग्रेस कहाँ से बीच में आ गई। वहाँ पे जो लोग हैं वो कौन हैं ये आपको भी पता है, क्षेत्र को भी पता है और मीडिया को भी पता है और भारतीय जनता पार्टी को भी पता है कि ये उनके घर की आंतरिक कला है। वो अपने घर को संभालें, कांग्रेस की ओर इशारा करने का काम ना करें। वो तो केवल आंसू पहुँच रहे थे ये कह के कांग्रेस का नाम लेके वो बचाव करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए मुझे बड़ी अजीब सी बात लगती है, राजेंद्र ठाकुर जी की बात हो, आसाराम यादव जी की बात हो, क्या वो ये कहना चाहते हैं कि ये लोग कांग्रेसी हैं? ये बहुत दुख की बात है, ये उनकी मैं कहता हूँ खींच कह सकता हूँ, खींच एक तरह की है। वो जिस तरह से वो जनता को धमका रहे हैं, अधिकारियों को धमका रहे हैं कि भाई चुनाव कैसा होना है, तो आप समझ सकते हैं कि इस बार बहुत चलचित्र होने वाला है। अगर राजन जी और आशाराम यादव अगर बीजेपी के ना होकर कांग्रेसी हैं तो उनका स्वागत।